और एहसान के मामला अल्लाह के रसूल की जिंदगी से भी हमको मिलते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जंगे उहद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम को किसी ने पत्थर मारा, वो पत्थर मारने की वजह से जो है आपके जो है दांत पर लगा और आपके दांत भी शहीद हो गए और आप जो है गिर भी गए। उसके बाद में नीचे आप घोड़े से गिर गए, लेकिन जब गिर जाते हैं उसके बाद भी जो है साहब आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल को बद्दुआ दे दो, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह, बल्कि क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम सीधे उनके लिए दुआ करते कि अल्लाह इनको माफ़ करना, ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, उनकी हिदायत की दुआ करते। ये एहसान जंग के अंदर भी वहाँ पर भी एहसान है, जबकि वहाँ तो मारने और मरने का मामला है, लेकिन वहाँ पर भी आप एहसान कर रहे हैं। तो ये एहसान की मिसालें हैं, इतनी बड़ी बड़ी एहसान की मिसालें हमको मिलती है और कई मामला हमको मिलते हैं। और एहसान क्या है कि एहसान अच्छी बात करना, बदले का बदला, जैसे आपके किसी के साथ ने बुरा किया तो बदले का बदला तो सभी लेते हैं, जो बेईमान है जिसका ईमान नहीं है तो वो भी बदले का बदला लेते। आप भी बदले का बदला लेंगे तो फिर आपने कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो ये है कि अगर आपने उसको माफ़ कर दिया, उसने आपके साथ बुरा किया, तो ये एहसान इस्लाम इसकी शिक्षा देता है, ये इल्म आपको देता है कि आपके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। वो कुछ हद तक भी आ जाए तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, सहाबा जैसा तो हमारा हो ही नहीं सकता कि वैसा मामला वैसा माशरा हमारे पास में आज हो जाए, लेकिन अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी अगर हम कर लें तो कामयाब हो सकते हैं।